हेलो फैमिलीज, वेलकम टू माय चैनल बिग इंफ्रा। मैं अरपित सेठिया आज आपके लिए लेके आया हूँ 20x50 का एक शानदार सा अल्ट्रा लग्जरी हाउस। बजट और लोकेशन के लिए जरूर मुझसे कांटेक्ट कीजिए। ये जो प्लानिंग आपके लिए लेके आया हूँ और ये जो लग्जरियस लेके आया हूँ, ये अभी तक के शायद वीडियो में आपने नहीं देखा होगा। और ये जो फेसिंग आ रही है इस प्लॉट की आ रही है वेस्ट फेसिंग। तो आइए हम चलते हैं किस तरह से इसको हमने प्लान किया है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पार्किंग की, तो बड़ा सा स्पेशियस पार्किंग। आप अपनी सेडान क्लास कार या फिर अपनी हैचबैक मॉडल कार या अपनी एसयूवी कार आप यहाँ पर सब पार्क कर सकते हैं। सफिशिएंट साइज यहाँ पर चौड़ी दे रखी है, चौड़ाई भी दे रखी है और इसकी लेंथ भी दे रखी है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर सफिशिएंट साइज का वरांडा देखने को मिल जाएगा आपको। क्वालिटी वर्क यहाँ पर सब कुछ करा हुआ है। सभी दो कॉन्सेप्ट दो कलर में आपको देखने को मिल जाएंगे। जो हमारा मेन गेट है दो कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा, एक चेक पैटर्न पे और एक आपका रेलिंग पैटर्न पे हमारा स्टेट बार। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पर मीटर बॉक्स देखने को मिलेगा और सबसे अच्छी बात सेपरेट यहाँ पर आपको बोरिंग करा हुआ देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे हमारे घर के अंदर की ओर। सबसे पहले बात करते हैं डोर की। एक डोर हमारे घर के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज रहता है, तो इसमें आपको 2 फीट चौड़ा आपको हैंडल देखने को मिल जाएगा। ग्रूव्स कटे हुए हमारे डोर आपको देखने को मिल जाएंगे विनर फिनिशिंग के साथ में। डोर की हाइट की बात की जाए तो 7 फीट इसकी हाइट दे रखी है और चौड़ाई की बात की जाए तो 4 फीट चौड़ा हमने गेट यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा है। पूरा गेट जो है हमारा वो प्लाई के साथ में इसको कवर आउट करा हुआ है। रही बात अंदर आके देखते हैं इसके इंटरलॉकिंग्स की, तो लॉकिंग की बात की जाए आपको तो जैसे हैंडल का हमारा फ्रंट हैंडल था वो गोदरेज की यहाँ पर आपको लॉकिंग सिस्टम देखने को मिल जाएंगे, ताकि सेफ्टी पर्पज में यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज आपका नहीं किया गया है। अब जैसे मैं डोर की कॉम्बिनेशन तो हो चुका है, अब बात करते हैं हमारे वेंटिलेशन की फ्रंट में। ये आपको फ्रेंच विंडो देखने को मिल जाएगी। 16 mm का ग्रिल बार दे रखा है सेफ्टी पर्पस के लिए। और जैसे हम अंदर आएंगे एक वॉल पेपर आपको यहाँ पर लगा हुआ मिल जाएगा। कंसील आपको यहाँ पर एसी पॉइंट देखने को मिल जाएगा। बजट जैसे मैंने बताया था 1,21,00,000 रुपए। तो ये सोफा सिटिंग आपको एल शेप में दिख रही है, ये सिटिंग भी इसके साथ में इंक्लूड रहेगी। और टॉप पे फॉल सीलिंग करी भी देख सकते हैं, नए कॉम्बिनेशन के साथ में आपको देखने को मिल जाएगी, नए टेक्सचर्स के साथ में मिलेगी, नए आपको डिजाइन के साथ में मिलेगी। ये वॉलपेपर जो हमारे फॉल सीलिंग है, फॉल सीलिंग के साथ साथ में आपको टीवी पैनल भी आपको यहाँ पर नए डिजाइन के साथ में बना हुआ देखने को मिल जाएगा। टॉप तक टीवी पैनल रहेगा, तो आप कितनी बड़ी टीवी लगाना चाहे, हर साइज की 72 इंच हो गई, 56 इंच हो गई, हर साइज की आप यहाँ टीवी आप यहाँ पर लगा सकते हैं इजिली। इसके साथ साथ में अटैच हमारा रहेगा लिविंग एरिया। लिविंग एरिया में यहाँ पर आपको सबसे पहले इंक्लूड है यहाँ पर डाइनिंग, जो आपको नए एक रॉयल टच में कॉम्बिनेशन साथ में देखने को मिल जाएगी। ये टेबल चेयर्स वगैरह देखने को मिलेगी और यहीं से इस जगह का लुक देखते हैं हमारे टॉप का, तो टॉप पे यहाँ पर आपको फॉल सीलिंग करी हुई देखने को मिल जाएगी। और कुछ हमने इंटीरियर पार्ट में भी हमने यहाँ पर प्लेट्स वगैरह लगा रखी है नए राजस्थान वर्क पे, और टेक्सचर्ड वॉल आपको देखने को मिलेगी। ये जो आपको वॉल दिखा रहा हूँ मैं अभी, ये पूरी टेक्सचर्ड वॉल है, ये वॉल पेपर नहीं है। तो ये जो हमने वॉल दिखाई है ये एज इट इज हमेशा लाइफ टाइम ऐसी रहेगी अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से इसको मेंटेन करेंगे। इस डाइनिंग हॉल के साथ में हमारा जुड़ा हुआ है हमारा क्रॉकरी एरिया, तो ये क्रॉकरी एरिया आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें नंबर ऑफ क्रॉकरीज वगैरह आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। और इसके साथ में हमारा अटैच रहेगा हमारा किचन, जो है हमारा मॉड्यूलर किचन। मॉड्यूलर किचन की बात की जाए तो चिमनी तो होना ही है, चिमनी यहाँ पर हमने टच चिमनी यहाँ पर देखा आपको प्रोवाइड करी हुई है, और गैस कनेक्शन भी यहाँ पर आपको उसका भी हमने यहाँ पर ध्यान रखा है। 2 कलर पैनल में यहाँ पर आपको टाइल्स लगी हुई देखने को मिल जाएगी, और जितने भी कबर्ड्स है कैबिनेट्स वगैरह यहाँ पर कंप्लीट कर हुए मिल जाएंगे। ट्रॉलीज वगैरह यहाँ पर हमारे टैंडम वगैरह सब आपको लगा हुआ देखने को मिल जाएगा। टीवी यूनिट आपका माइक्रोवेव यूनिट आपको यहाँ पर लगा हुआ मिलेगा, और रेफ्रिजरेटर पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो कंप्लीट प्लानिंग की गई है प्रॉपर तरीके से, हर एक स्पेस का हमें विश्लेषण करा है यहाँ पर। और लास्टली बैक साइड में आपको वेंटिलेशन पर्पज के लिए ओटीएस देखने को मिलेगा। टॉप पे एकदम शानदार वेंटिलेशन यहाँ पर आपको आएगा, चाहे दिन हो चाहे शाम हो, वेंटिलेशन और लाइट की कमी आपको नहीं होने वाली है। इसके बाद हम चलेंगे हमारे किचन से बाहर निकल के हमारे आएंगे बेडरूम में, पहला बेडरूम के साथ में हमारी कॉमन लेट बाथ देखने को मिल जाएगी। ये कॉमन लेट बाथ रहेगी हमारी, फर्स्ट लेट बाथ रहेगी जिसको हमने टॉप तक यहाँ पर टाइल्स करा हुआ है। और पहला बेडरूम हमारा बैक साइड में, जो मैंने विंडो दिखाई थी उस विंडो का हमने सेक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और टॉप पे यहाँ पर फॉल सीलिंग करी मिलेगी और आपको एसी पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब चीजें आपको हमारे नए कॉन्सेप्ट के साथ में देखने को मिलेगी। इसके बाद हम बाहर निकलेंगे बेडरूम से। ये हमारा कॉमन स्पेस,
जहाँ पर आप अपना स्टोर वगैरह कर सकते हैं। बेसिन, एक कॉमन जो बेसिन दे रखा है हमने, आगे जाके यहाँ बेसिन दे रखा है, मिल जाएगा आपको। बेसिन के नीचे आप अपना छोटा मोटा स्टोरेज भी कर सकते हैं। ये आपका फ्रंट साइड का विंडो का वेंटिलेशन फ्रंट साइड से, और एक नए रॉयल टच पे यहाँ पर आपको इसकी वुडन हमारी रेलिंग देखने मिलेगी, रेलिंग के पाइप देखने मिलेंगे रॉयल टच में। और इसके साथ में बात करते हैं हमारे इसकी चौड़ाई की, तो लगभग 3.5 फीट चौड़ा हमारा ये चढ़ा हुआ रहा है। और हाइट की बात की जाए तो पूरे घर की जो हमने हाइट ले रखी 11 फीट इसकी हाइट ले रखी है। अब हम चलते हैं हमारे ऊपर की ओर, किस तरह इसको हमने प्लान किया है। तो जैसे मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ चुका हूँ, ये हमारी कॉमन लॉबी रहेगी। रॉयल टच का कुछ रेलिंग ने मैंने दिखाई थी वो देखने मिल जाएगी, और ये शैंडलियर वगैरह आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे नए कॉम्बिनेशन के साथ में। टॉप पे शैंडलियर के यहाँ पर आपको पॉलिशन करी भी मिलेगी। इसके बाद हम चलते हैं हमारे पहले बेडरूम में, जो पीछे की तरफ आ रहा है। मास्टर बेडरूम, सफिशियंट साइज, सफिशियंट लाइट, सफिशियंट वेंटिलेशन, सब कुछ यहाँ प्रॉपर तरीके से मेंटेन करा गया है। लाइट वगैरह, ड्रेसिंग एरिया और मास्टर टॉयलेट है साथ में, इसके साथ इंक्लूड रहेगी, आपको देखने को मिल जाएगी। फुल हाइट से टाइल्स लगी हुई देखने को मिलेगी, और यहाँ पर आपको फ्रेम वगैरह भी देखने को मिल जाएगी प्रॉपर तरीके से। ये टीवी यूनिट आपकी लगी हुई मिलेगी। और सबसे अच्छी यूटिलिटी की बात की जाए, जैसे हम ऊपर आए थे तो ये स्पेस बहुत सी बार हम रेजिडेंट के लिए यूज़ कर लेते हैं, पर यहाँ पर्टिकुलर हमने एक कबाड़ हमारा कैबिनेट बनाया है। आप कुछ भी यहाँ छोटा मोटा स्टोरेज वगैरह, शू वगैरह यहाँ पर आपने रख सकते हैं, या बुक्स वगैरह रखनी हो आप यहाँ पर पढ़ने के लिए इसको रख सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे बाहर की ओर। फर्स्ट बेडरूम, ये भी हमारा मास्टर बेडरूम, सफिशियंट साइज, वॉलपेपर, टॉप पे फॉल सीलिंग, सामने फ्रेंच विंडो, और हमारा बालकनी का गेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक मास्टर बेडरूम में, एक बालकनी। तो बालकनी देख सकते हैं बाहर जाके, और बालकनी में टॉप पे फॉल सीलिंग करीब यहाँ पर देखने आपको मिल जाएगी। पीवीसी फॉल सीलिंग रहेगी हमारी ये बालकनी के साथ में। हमारा सबसे पहला टॉयलेट जो आपको अंदर देखने को मिलेगा, टॉयलेट में यहाँ पर हमारा मास्टर बेडरूम मास्टर टॉयलेट रहेगा, हमारे ये टॉयलेट रहेगा हमारा, साथ साथ में ड्रेसिंग एरिया भी इसमें इंक्लूड रहेगा, और ये हमारा मास्टर टॉयलेट। इसके बाद हम चलेंगे हमारे लास्टली इसके बजट की ओर। तो दोस्तों कैसा लगा आपको 20x50 का वेस्ट फैसिलिटी लग्जरियस हाउस? अगर आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आई हो जिसका बजट है 1,21,00,000, शहर है इंदौर, अगर इस तरह की बंगलो अगर आपको परचेस करना हो, या ये बंगलो आपको परचेस करना हो, या इस तरह के बंगलो आपको बनवाने हो, तो दिए हुए नंबर पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं इंजीनियर अर्पित सेठिया आपकी जरूर मदद करूंगा, चाहे बंगलो परचेस करवाना हो या इस तरह के आपको बंगलो आपको शहर में आपको बनवाने हो। थैंक यू।